सेविका सहायिका का चयन भी रद्द हो रहा है। हड़ताल से वापस आने के लिए उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के कारण यदि किसी सेविका सहायिका के साथ अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए सीधे वो संबद्ध अधिकारी या कर्मी दोषी होंगे। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का महीनों से आंदोलन चल रहा है। हड़ताल पर हैं सहायिका और सेविका। सरकार से वो सरकारी कर्मी का दर्जा मांग रही हैं या फिर मानदेय बढ़ा करके 25,000 और 18,000 करने की मांग रख रही हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनके हड़ताल को समाप्त करने का दबाव दिया जा रहा है। उनके पदाधिकारियों के द्वारा उन पर दबाव दिया जा रहा है कि या तो योगदान दो या फिर नौकरी दो। और इसी से परेशान होकर के सेविका सहायिका कर्मचारी यूनियन संघ एक बार फिर से बापू के पश्चिम चंपारण से शंखनाद कर दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा और सरकार के सामने 5 सूत्री मांग को उन्होंने रख दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। बापू का पश्चिम चंपारण, जहां से बापू ने नीलहों से आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए शंखनाद किया था, वहां से आंदोलन शुरू की थी। और उसी पश्चिम चंपारण से बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी यूनियन संघ ने आंदोलन की फिर से शुरुआत कर दी है। महीनों से हड़ताल जारी है, लेकिन उनके ऊपर अब बताया जा रहा है कि दबाव बन रहा है सरकारी नुमाइंदों का, सीएम नीतीश कुमार के, बड़े पदाधिकारियों का, कि आ करके आप लोग योगदान दीजिए, आंगनबाड़ी को फिर से संचालित कीजिए सुचारू रूप से, अन्यथा अपनी नौकरी दीजिए। और इसी क्रम में बहुत सारी सेविका और सहायिकाओं की नौकरी भी छीन ली गई है और अब सेविका सहायिका जो है पूर्ण रूप से आंदोलन के मूड में है। 5 सूत्री मांग के साथ वो प्रखंड कार्यालय लौरिया पहुंची है। आप कर्मचारी यूनियन संघ के नेता की बात सुन सकते हैं। देखिए, आज हम लोग बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक बाल विकास परियोजना कार्यालय लौरिया इकाई की ओर से आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 2 माह से ज़्यादा हुआ पूरे बिहार के अंदर सेविका सहायिका का हड़ताल चल रहा है। इस हड़ताल अवधि में सेविका सहायिका का चयन भी रद्द हो रहा है। हड़ताल से वापस आने के लिए उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है और सरकार भी अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, वार्ता नहीं कर रही है। ये 3 मांग को लेकर के आज हम लोग ये धरना दिए हैं कि सेविका सहायिका का चयन रद्द आदेश वापस लिया जाए, जिन लोगों का चयन रद्द हुआ है उसको वापस लिया जाए, सेविका सहायिका को हड़ताल तोड़ने के लिए मानसिक रूप की प्रताड़ना पर रोक लगाया जाए और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के कारण यदि किसी सेविका सहायिका के साथ अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए सीधे वो संबद्ध अधिकारी या कर्मी दोषी होंगे और सरकार अविलंब वार्ता करके सेविका सहायिका के इस हड़ताल को समाप्त कराए। इस 3 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी CDPO लौरिया को हम लोगों ने अपना स्मारक पत्र सौंपा है। ये दूसरे फेज का आंदोलन है और सरकार के ऊपर हम लोग दबाव बनाना चाहते हैं कि सरकार अविलंब सेविका सहायिका के प्रतिनिधियों से वार्ता करके इस हड़ताल को समाप्त करावे और दंडात्मक कार्रवाई जो हो रहा है उस पर रोक लगाए। बिहार की सेविका सहायिकाओं का सरकार पर आरोप है कि उनसे सरकारी कर्मियों से ज्यादा काम लिया जाता है। तमाम काम लिए जाते हैं उनसे, पशु गणना कराया जाता है, भवन गणना कराया जाता है, जनगणना कराया जाता है, BLO का काम करवाया जाता है, उनसे टीकाकरण कराया जाता है, दवा वितरण कराया जाता है, सब कुछ कराया जाता है, मतदान में भी उनको लगाया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है। बावजूद इसके उनको सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है, मजदूरों से भी कम उनको मानदेय दिया जाता है, उनको पारिश्रमिक दिया जाता है। सरकार वादा करती है लेकिन वादा पूरी नहीं करती, वादा खिलाफी कर देती है और इसी से परेशान होकर के सेविका सहायिकाओं ने महीनों से हड़ताल जारी किया और आंदोलन करना शुरू किया। आपने देखा सेविका और सहायिकाओं के आंदोलन को निरस्त करने के लिए किस तरीके से वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया, उन पर लाठियां चलाई गई, सहायिकाओं को घायल किया गया, एक सेविका को पीटा गया, उसकी मौत भी हो गई है, ऐसा आरोप है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप होते रहे, अब इनके साथ गलत हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। इनके आंदोलन को बंद करने के लिए इन पर दबाव बनाया जा रहा है, संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा यह धमकी दिया जा रहा है कि आप योगदान दीजिए या फिर नौकरी दीजिए। और इसी के विरुद्ध अब फिर एक बार पश्चिम चंपारण, बापू के चंपारण में आंदोलन शुरू हो गया है। उन्होंने सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दे दी है कि आप हमारी मांग को मान लीजिए, हम आंदोलन बंद कर देंगे, और जब आपके पदाधिकारी हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, किसी भी सेविका सहायिका के साथ कोई अनिष्ट होता है तो सारा दोषारोपण जो है संबंधित पदाधिकारी के ऊपर जाएगा। 5 सूत्री मांगों के साथ फिर से चंपारण से शुरू हो गया है आंदोलन। आंदोलन जारी रखने का भी इन्होंने चेतावनी दे दिया है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।